आज हम बात करेंगे हाइपोस्पेडियस फिस्टुला या फिस्टुला आफ्टर हाइपोस्पेडियस सर्जरी के बारे में। हमने पहले कुछ वीडियो में आपको जानकारी दी हुई है हाइपोस्पेडियस के बारे में, जिसमें हमने बताया हुआ है कि हाइपोस्पेडियस होता क्या है, क्यों होता है और उसका क्या इलाज करना चाहिए। इसके बारे में हमने जानकारी दी हुई है पहले की वीडियो में। लेकिन आजकल हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं जो हाइपोस्पेडियस फिस्टुला के साथ में आ रहे हैं, और हमने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस किए हुए हैं पहले, तो हाइपोस्पेडियस फिस्टुला के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये होता क्या है? एक्चुअली फिस्टुला जो है एबनॉर्मल ओपनिंग है, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। ये जब पेशाब के रास्ते में जब हाइपोस्पेडियस की सर्जरी करते हैं तो कई बार एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है या बीच में कोई गैप बन जाता है यूरेथ्रा में, तो उससे पेशाब जो है उस छेद से आने लगता है, उसको कहते हैं हाइपोस्पेडियस फिस्टुला। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पार्ट यूरिन का उस फिस्टुला से आता है, कुछ पार्ट जो है जो यूरेथ्रा बनाया होता है उससे आता है, टिप से आता है। तो फिस्टुला से भी आ सकता है और टिप से भी आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको हाइपोस्पेडियस फिस्टुला के बारे में पूरी जांच करनी चाहिए कि क्या कारण है वो फिस्टुला बना है और इसका कैसे इलाज करना है। ये सब चीज़ें जो है डिटेल में एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है। मेजॉरिटी ऑफ दी पेशेंट्स जब आते हैं फिस्टुला के साथ में, पूछते हैं ये खोज क्यों जाता है, फिस्टुला क्यों हो गया मेरे ऑपरेशन के बाद। तो इसका बहुत सिंपल आंसर कुछ नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो या तो सर्जरी ठीक से नहीं हुई हो, उसके कारण हो सकता है। दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा कभी जो कैथेटर डालते हैं उसके प्रेशर से छेद बन जाता है। चौथा कभी सूचर वगैरह, सूचर जो लगाते हैं वो ठीक से टिका नहीं हो, उसके कारण हो जाता है। कई बार चोट लग जाती है, उसके कारण हो जाता है। या कभी कैथेटर जो है पुल हो जाता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये फिस्टुला बन जाता है। तो इसके बारे में रेट्रोस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा विचार करने की जगह नहीं होती है। फिस्टुला होता है तो उसका इलाज करना चाहिए। अब फिस्टुला का इलाज क्या है? इसका केवल सर्जिकल इलाज है, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इसका इलाज केवल सर्जरी है, और सर्जरी जो है पहले ऑपरेशन से मिनिमम 6 महीने बाद होना चाहिए, ताकि पहले की सर्जरी का जो इन्फेक्शन है, सूजन है या उसके कारण जो हीलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, मिनिमम 6 महीने के गैप पे। अभी कुछ पेशेंट्स आए थे, वो 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद फिर फिस्टुला का ट्रीटमेंट करवाने आ गए हैं, तो ऐसे में ऑपरेशन नहीं हो सकता। मिनिमम 6 मंथ्स के बाद में ही मैं ऑपरेट करता हूँ, ताकि उसके बाद फिर हीलिंग इज बेटर एंड रिजल्ट इज बेटर। हम नॉर्मली फिस्टुला का जब ऑपरेशन करते हैं या इलाज करते हैं तो हम और यूरोलॉजिस्ट मिलकर के करते हैं, ताकि दोनों मिलकर के यूरिनरी प्रॉब्लम को और ये रिकंस्ट्रक्शन आस्पेक्ट को मिलकर के एज ए टीम वी डू इट। सो टीम का अपना एक इम्पॉर्टेंस है और हम दोनों मिलकर के अच्छे से इसका इलाज कर सकते हैं। इसके इलाज में, इसके सर्जरी में क्या स्पेशलिटी है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि पहले हमको फिस्टुला बंद करने के सोचने से पहले हमको देखना पड़ता है कि ये फिस्टुला क्यों हो गया, और जो यूरेथ्रा बाहर उसके बाद में है वो ठीक है कि नहीं है। और ये दोनों देख करके हम उसकी टेक्निक के बारे में डिसाइड करते हैं, कौन सा टेक्निक उसके लिए सुटेबल है। कभी कभी वहीं पर एडजस्ट हो जाता है, कभी हमको स्क्रोटम से स्किन ले करके उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और कभी ये भी होता है कि यदि एडिक्वेट स्किन नहीं है तो मुंह से भी हमको म्यूकोजा या टिश्यू ले करके हमको उसको फिस्टुला को बंद करना पड़ता है। तो ये फिस्टुला के इलाज के लिए लोकल टिश्यू या स्क्रोटल टिश्यू या स्किन ग्राफ्ट फ्रॉम प्रिट्यूस या फिर मुंह से म्यूकोजल ग्राफ्ट लेकर के हम इसका ऑपरेशन करते हैं। और इसके बाद आप पूछेंगे कि भाई कितने पेशेंट्स में फिस्टुला बन जाता है। यूजुअली हमारे हाथ में 5 से 10% हाइपोस्पेडियस में फिस्टुला बनता है, और फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद भी फिस्टुला बन सकता है। ऐसा नहीं कि इट इज़ 100%, लेकिन चांसेस कम होते हैं। एक्सेक्ट परसेंटेज बताना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी पॉसिबिलिटी होती है। ये हमेशा हमको ख्याल में रखना चाहिए। तो फिशुला का इलाज पॉसिबल है। टीम यूरोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जरी का टीम मिलकर के करें तो बहुत अच्छा होता है जो हम करते हैं, और रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके लिए हमको इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। जहाँ तक के हो सके फिशुला का ऑपरेशन जल्दी से कराना चाहिए,
ताकि बच्चे को या किसी भी पेशेंट को फिशुला बन जाता है तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना रहे और स्कूल जाने में या कॉलेज जाने में उनको कंफर्टेबल रहे, सो दैट अपने फ्रेंड्स के साथ में वो यूरिन पास करने टॉयलेट में जा सकते हैं और कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।